हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है 26 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को हमने व्लॉग नहीं किया क्योंकि घर में सबकी तबीयत खराब थी, लेकिन आज भी सेम है। आज भी यही चीज़ हो रही है, आज भी सबकी तबीयत खराब है। दीपू की तबीयत खराब है, नवल की तबीयत खराब है, कैचू बाबा की भी तबीयत खराब है। और सबने एक ही चीज़ खाई, सबने एक ही चीज़ खाई है, वो है क्या? बर्फी। तो क्या है कि जो बर्फी वाली मिठाई थी ना, वो मैंने नहीं खाई थी, वो इन लोगों ने ही खाई थी। और ये जब खा रहे थे तो कैस्पर ने भी इनके हाथ से छीन ली। हाँ, वो उसका मन के तो पेट खराब चल रहा। हाँ, तो कैस्पर को भी लूज मोशन लग गया। अब दिक्कत ये है कि इनकी तबीयत खराब है, तो ओलिवर को भी आज घुमाने ले गए, तो ओलिवर की भी अब हालत खस्ता ही लग रही है। अब वो बार बार अपना ना पट्टा लेके आ रहा है कि मुझे ले चलो। अब उजाला काफी हो गया क्योंकि 8:30 बज गए, अब लेके नहीं जा सकते। तो मैं बना रही चाय। चाय तो मैं और दीपू पियेंगे, और नवल का मन नहीं है तो नवल के लिए पानी कर रखा है मैंने, गर्म पानी। और नित्या के लिए कर रखा है दूध। नित्या की भी वैसे तबीयत ठीक नहीं है। नित्या ने की भी ना ऐसी गड़बड़ तो चल ही रही है कब से, कल कुछ ज़्यादा ही, कल तो हद ही हो गई। कल ये राइम्स देख रही थी नवल, उल्टी मेरे हाँ, फोन में और करते एक हैं उसी टाइम मैंने इसको मेरे दूध फोन में दिया उल्टी था, करती है दूध ना पिया था नित्या। इसने, और नवल के फ़ोन में। मैं जस्ट किचन में गई थी और इसने जितना था, बल्कि पहले जो भी खाया होगा, वो सारा वॉमिट कर दिया नवल के फोन के ऊपर। नवल कितनी पढ़ाई करोगे? चलो छोड़ दो यार, UPSC में आएगा क्या? ये क्या है? तो सुबह के 11 बज गए हैं और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि सबकी अभी भी तबीयत गड़बड़ी है। अब ये मंगवाया मैंने, कोकोनट वाटर मंगवा रखा है, थोड़ा पियेंगे एनर्जी आएगी। एनर्जी सारी सबकी डाउन हो चुकी है। पोहा बना रही थी एक्चुअल में, बट पोहा भी ख़त्म था तो मैंने पोहा भी मंगवा लिया था। नित्या के लिए भी मैंने एक टीथिंग स्टिक मंगवा रखी है। खा रही है क्या ये हाँ रही? अभी तो खा रही। तो थोड़ा आराम मिलेगा उसे। फेंक फेंक मत देना, फेंक बड़ी जल्दी दे रही है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि हम सब बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तू भी हो रहा है ना, तो हम एक चैलेंज करते हैं। गैस द मिठाई, गैस द मिठाई चैलेंज जाएंगे करते बीकानेर हैं। से ही। हाँ, और पोहा पेट खराब करके बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली नौबत आएगी हमारी। बन के तैयार हो चुका है और नित्य भी सो गई है। अभी हम लोग खाते हैं वैसे बहुत ज्यादा ना, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं ये खाने का। खाओगे तो मन करेगा, इतना चटपट बना रखा है मैंने। और नींबू निचोड़ दिया, तो नहीं बस पानी वानी पीने का मन कर रहा पानी पीना है इसको खाने के बाद। है। आज तो पोहा है इंदौरी, हम इंदौरी खा रहे हैं का इसे हम एक गाजियाबाद बार में, कंफर्म कर रहे थे वो कि खा पेट में सकते हैं गड़बड़ भी कब। हो सकती है। हाँ ये भी है। पहले से है और हो जाएगी। चलिए, इधर ही बैठ के खाना है, चलना नहीं कहीं। चलना है ऐसे। तो आज है नेक्स्ट डे, और कल तो हमने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया था उसके बाद से, क्योंकि तबीयत ज़्यादा और बिगड़ गई थी ना, बल्कि तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और दीपू की भी बहुत ख़राब थी, लेकिन दवाई से काफ़ी फ़र्क दीपू को पड़ गया था, बट नवल को उतना नहीं पड़ा था। अभी भी नवल की आज थोड़ी बहुत है तबीयत वीकनेस खराब, कल वीकनेस बहुत बहुत हो हो गई। गई थी यार अच्छा, वो उसको। कोकोनट वाटर लिया, उससे दीपू को तो बहुत ही ज़्यादा वो आराम कह भी था। रहा था एनर्जी आ रही हाँ, बहुत नहीं, मतलब लेकिन हुआ उससे यार, उससे हाँ, बहुत मतलब हुआ। 1 लीटर की बोतल बेकार नहीं गई, दोनों है ना, दोनों की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वापस आ गई। और क्योंकि ना दीपू खाने का मन नहीं कर रहा था तो हाँ, कोई पानी 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 ज़्यादा वानी गया, पी डिहाइड्रेशन हो गई थी ना। तो नवल जैसा बोल रहे थे कि उनको फ़ोन करेंगे मिठाई की, जहाँ से हमने शॉप से लिया था वहाँ पे फ़ोन किया था, और नवल ने खूब खरी खोटी सुना दी उनको। अपनी गलती एक्सेप्ट लिया। नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ बाद लेकिन में उन्होंने एंड ना में उन्होंने कि बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान कह रखेंगे। रहे अब मिठाई का डब्बा ले आओ, हम चेंज कर देंगे, हमें पूछ रहे होगा थे कौन उतना सी पेट। मिठाई क्या क्या ये करके, कह रहे हैं हमारे तो हजार हजार किलो खोया बिक जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने बोला कि आपने सबसे पहले तो मिक्स मिठाई में जो सबसे घटिया वाली वो हमको दी है, ऊपर से हमने खाई बिल्ली हाँ वाला बताना भूल गया था कि कैट को भी खिलाया था वो भी बीमार पड़ गई, हाँ वही तो तो। बल्कि मतलब नवल ने ये भी बोला, जिसने नहीं खाई वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने वो मिठाई नहीं खाई थी, क्योंकि बर्फी ना मेरे गले में अटक जाती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बर्फी खाना। बट ठीक है तो एंड ऑफ द डे उन्होंने मतलब बोल दिया मान कि लिया, ठीक है ठीक हाँ है, अब नेक्स्ट टाइम क्या से हम कर लोग सकते ध्यान थे, रखेंगे। नेक्स्ट टाइम तो से उनको ध्यान रहेगा कभी वो और बर्फी जैसे मैंने वगैरह। उसको बोला, हाँ, मुझे लगा कि बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था, बट बोलना सही है ना, इम्पोर्टेंट अपना भी तो है। बुरा फील हो जाता है कि किसी को ऐसा बोलना तो अच्छा हाँ नहीं वो मुझे लगता ना। लगा था लेकिन और फिर मैंने लेकिन सोचा यार मैं और नहीं। दीपू जब ये नवल फोन पे बात कर रहे थे, मैं और दीपू बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा वो नवल है, जब तक उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी तब तक नवल शांत लेकिन नहीं सही है ना, बैठेगा। नेक्स्ट टाइम से वो थोड़ा ध्यान रखेंगे यार, हमको हाँ, मिल रही वो तो किसी है और की भी ही, तो तबीयत खराब हो सकती है। वो तो है। और एक अच्छी खबर ये है कि हमारा लैपटॉप ठीक हो गया है, मतलब हमने ठीक करवाने दिया था, अपने आप तो नहीं हुआ, तो हो गया है। बहुत बहुत पैसे लंबे खा टाइम से लिए, खराब पड़ा हुआ था हाँ, ना। जून से डेड पड़ा था, हो गया, बहुत पैसा खा लिया है लैपटॉप ने इस साल में। ये लैपटॉप बहुत पैसा खा चुका है, तू अच्छा चलियो, देख लियो। अब ये मत खराब लैपटॉप बहुत करना यादगार बस। है, क्योंकि हमारी यूट्यूब की जो जर्नी है इससे ही मेन स्टार्ट हो रखी है। तो पहले भी एक लैपटॉप था उससे भी, लेकिन मेन जो था वो यही था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और बस अभी नित्या सोई हुई है, उठेगी, उसके बाद हमें ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग करके आएंगे,
फिर दिन के जो भी काम वाम है ना वो निपटाते हैं। हाँ अभी फिलहाल पी रहे हैं हम अपना पी रहे हैं, कह रही हूँ पी रहे अपना बनाना शेक। सैड बोलो आज सैड है क्योंकि आज नवल उसको लेके नहीं गए हैं घुमाने के लिए, क्योंकि उनकी खुद की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुझे भी समझना चाहिए, बालकनी है जाके कर दे, नहीं इसको नहीं करना, इसको उनकी ना हम तबीयत लोग खराब है बहुत बार कैसे, बालकनी में लेके चले गए कि तू यहाँ पर कर ले, डर के मारे कर मैं ही नहीं रहे नहीं हूँ। करना है। यहाँ पे है हमारे अपने कैची भैया, भैया भैया सोए हुए। मुझे परसों मैं तुमको बता रहा था ना कि मुझे सपना आया कि मैं उठ रहा हूँ सुबह, इसने गैस पर ना इतना बड़ा फोम का टुकड़ा निकाला हुआ है यहाँ से। ऐसा नहीं और ऐसा हुआ, ही हुआ है, ऐसा हुआ लेकिन उस कमरे में जो हमने इसको बंद किया था ना वो वहां उसने पे कर निकाल दिया दिया। गैस पर ने। हम हो चुके हैं तैयार और यहाँ पे नित्या भी उठ चुकी है, इसको भी नहला दिया है, खिला दिया है। अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे। नित्या दिखा दो अपना लुक, दिखा दो ओटीडी दिखाओ अपना। थोड़ा मैंने चोटी बांध दी, अभी क्या हो गया ना बाहर जाके सूख जाएंगे बाल, फिर उसकी आंखों में आते हैं, इसलिए अभी बांध दिए। तू क्या अपनी बोतल खुद साफ करेगी? चलो ऑलिवर तू हमारे अंत तक सुपोर्टिव सब कर लेना। यही उम्मीद लगा के बैठे हम तुझसे, अरे तो ये तो फटा हुआ है झोला। फिर वहीं से ले लेंगे, छोड़ो एक ले चलो एक ले लेंगे। हम तो चलो चले घूमी 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 घूमी। नित्या का तो चलो देखो, लो पकड़ो फिर ऑर्गेनिक इंडिया ये रही, देख लेना कौन कौन सी तुलसी हनी है, चमोली, जिंजर वाली है क्या, चमोली है, चमोली तुलसी ग्रीन टी, जैसे तुलसी वाली है, वो रही तुलसी जिंजर, तुलसी हाँ ये वाली टेस्टी होती है ना नित्या। ये बर्तन धोने के लिए अब ठंड आ रही है जिंजर। ना। ड्रामे चलते अच्छा हमारे। एक दिन में कैस्पर ने काट दी। हाँ पिछली बार भी मैंने बर्तन धोने के लिए लिया था लेकिन आंवला कैस्पर ने जूस, काट दिया था। आंवला जूस पे ठीक है फिलहाल तो नहीं। तो हमने जो सामान लेना था ले लिया, आधा सामान हमारा नीचे है, आधा सामान जिसमें नहीं तो किसको बाय कर रही हूँ वहाँ, जब बाय करने को बोलो तब नहीं। आवाज़ कितनी सराउंड हो रही है, पूरी गूंज रही है यहाँ पे। आज हम पहली बार ना स्मार्ट बाजार में आए हैं तो हमें यहाँ सामान को समझ में नहीं आता, और बार हर बार हम वो लेते थे ना डी मार्ट से, तो कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ही स्ट्रगल के साथ पहले नित्या को छोड़ के आए, क्योंकि सामान बहुत हो गया था ना, पहले नित्या को मैं छोड़ के आई, ऊपर दे के आई, नित्या यहाँ रही, फिर हम दोनों सामान उठा के लेके आए। और सही में मेरे तो हालत ख़राब हो गई सामान इतना उठा के, क्योंकि हम डी मार्ट से जब भी लाते थे ना वो हमसे हमारे घर से दूर था, तो हम यहाँ तक का ऑटो कर लेते थे घर तक का, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ क्या था घर के पास में ही था, जस्ट सामने ही, तो दिक्कत हो गई, सारा सामान उठा के ही लाना पड़ा। वो नारियल पानी लाए थे, इसको नारियल पानी बुला रहे हो, देखो किससे खेल रहे। क्या हुआ? एक छोटा 7 मंथ का बेबी था, उसके साथ नित्या बहुत खेली। पता है तुम्हें, उसके पैर खींचने लग गई थी, पहले कह रही मैं नीचे जाऊंगी, मैंने छोड़ा उसके पैर खींच रही, मैंने कहा कहीं मार देगी ये, तो इसने तो एक दिन में एक बड़े बच्चे को भी मारा था, बिल्कुल माप गई। ओलू को हम लोग जो सोच के गए थे, जो कह के गए थे, उसने मिशन वही हो किया। गया हमारा हाँ क्योंकि कंप्लीट। आज हम उसको सुबह लेके नहीं जा पाए थे, तो हमारे हमारे रहते हुए तो नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे हम लोग बाहर गए डर से उसके पॉटी टॉयलेट सब निकल यही तरीका गए। है। 3:30 हो चुके हैं और भूख ना बहुत ज्यादा नहीं लग रही थी, तो हमने नारियल पानी भी पी लिया तो उससे थोड़ा पेट भर गया। तो वो बर्गर लेके आई थी, मैंने सोचा कि बर्गर बना देती हूँ, तो यहाँ तैयारी हो गई है, ये बन है, ये टिक्की है, ये टमाटर प्याज जो चटनी है, और एक ये मैंने पुदीने वाली चटनी बना दी है जो नवल को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि पुदीना ना आजकल बहुत ही ख़त्म हो गया है हमारा, मतलब था ही नहीं, 2-4 पत्तियाँ थी, तो उससे जितना बना बस एक टेस्ट के लिए। अब है बारी बर्गर असेंबल करने की। ये वाली चटनी ना इतनी सी है लेकिन ये नवल टेस्टी बड़ी बनी है, जब भी कम बनाओ चीज़ें तब अच्छी बनती है, जब ज़्यादा बनाओ ना तब अच्छी नहीं बनेगी। तो दोनों बर्गर बन के तैयार हो गए और दोनों में डबल पैटी। पहले मैंने सोचा था कि 4 बर्गर बनाती हूँ, बट बात एक ही है, डबल पैटी कर दो तो हो जाएगा। अब लेके जाते हैं सर के पास कि सर कोई टेस्टी लगता है नहीं, ये तो टेस्ट करके ही अब हो। ये तो वो वाला लग रहा है जो महाराजा वाला नहीं आता, एक हाँ वेजीज उसमें बस वो थोड़ी वेजीज और ज्यादा होती ज्यादा है होती ना। है डबल पैटी। ओ ओ नो रीता, नो ओ नो नो ओ नो तो नो मन देखो ये खिला दो थोड़ा सा ले। अच्छा अरे अरे उल्टी आ गई बेटा, ऐसे इतना गंदा तुमने भी नहीं खाने बना का हुआ। अपमान कर लिया। उसने भी चखा नहीं, ले नहीं बोले खाना तू खा ले, तू और मैं आठा, खाते हैं। वो खा भी लेगा। इतना बड़ा भूल गया, म्यूजिक चाहिए था क्या पीछे तुम्हें पार्टी में? ना अच्छा होगा, देखती अच्छी होती है। मैंने पहले भी ना ये वाली मैगजीन की होती है, बहुत टेस्टी लगती है, पहले भी उसी तो सारा हर जगह से गिरने लग गया। डबल लग कर रहा है ना। एक दिन नवर और मैं बर्गर ईटिंग चैलेंज करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। बर्गर ईटिंग चैलेंज उसमें लेकिन ना
पैटी मेरे ख्याल से तीन कर देंगे, एक में तीन, देखेंगे पहले कौन खाएगा। क्या मतलब कि एक जो पहले खत्म करेगा। अच्छा है, तीन या चार ऐसा कर देंगे। आप हमें कमेंट्स में बताना कितनी पैटी डाल दो उसके अंदर। बैठ गया, कैसे रो रहा था, इतनी तेज चिल्लाई यार। हाँ मैं डर गई। यहाँ पे तुम्हारी फोटो खींचो, इधर ऊपर देखो, हाँ नवल को इतना डर लगता है ना छिपकली आ गए। हाँ बिल्लियाँ पीछे पड़ जाएंगी, रोनर अलग करती हैं फिर वो, लेकिन इनकी नजर पड़ जाएगी। ये मुझे पता था छिपकली यहाँ पे, मुझे परसों दीपू ने बोल दिया था कि रसोई में, मैंने कहा तुम पे प्रैंक करूंगी लेकिन मैं भूल गई, रसोई में ही थी ये छिपकली। तो हमने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन कैस्पर ने ना छिपकली देख लिया। वो छिपकली मैंने भगाने की कोशिश तो की थी, वो थोड़ा सा मुड़ी लेकिन कैस्पर ने ना उसको डरा के यहाँ पे ले आया। वो जो है ना ये बैल इसके पीछे छुप गई और अब इनका ध्यान वहां है, वो देखो। अरे कैस्पर यार, अभी फिलहाल मैंने कैस्पर को यहाँ बंद किया, अब मैं भगाती इसको क्योंकि इनको भी डर लग रहा है। उसको नहीं लग रहा यार, कहाँ अच्छी खासी ग्रीन टी पीने वाले थे, कहाँ। तू भगा दे फिर। तो ऋतु ट्राई कर रही है भगाने का। अरे नहीं नहीं, अंदर घुस गई बैल के, बैल के अंदर घुस गई। मैं यहाँ नहीं सोऊंगा आज। ये निकलो। अरे यार वो बैल के अंदर कहाँ है, गेरी ना। बैल के अंदर कहाँ घुसेगी, बाहर निकल जाए ना यहाँ से। नहीं नहीं देख रहा हूँ उसको यार, मेरे को डर लगे। ओ नहीं, कोको नहीं, कोको ये यार, ये कहाँ जा, ओ शिट मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। नित्या नित्या, अरे नहीं नहीं मेरे को डर लगता है उससे। रेन ओ शिट, नहीं नहीं ये कार, ये अब यार तुम हटाओ नित्या को, मैं उधर वो देख रही यार, मैं नहीं जा रहा। ये जब तक बाहर नहीं जाएगी ना मेरे को नींद नहीं आएगी आज। चलो ओ शिट, और तुम कहाँ भगा रहे हो तुम ये, कोकनी। अरे यार फिर वही, ओ ओलू तू तेरे बस की नहीं यार, तू तो रहने दे, तू तो बेइज्जती करा रहा है अपनी। ओ चली गई क्या, गई खिड़की थोड़ा सा खोल दो। ओ शिट ओ शिट, वो दब तो नहीं गई, नहीं नहीं दब नीचे चली गई शायद, नहीं नहीं वो वापस अंदर ना आएगी, तू उधर पे है ना, वापस अंदर ना आए यार, ये पकड़ लेगी कोको इधर पे। ओ मत करो दब जाएगी। चलो चलो निकल गई। हाँ हाँ निकल गई शायद, निकल गई। कोको खोल दो बेचारा, ये ले तेरा, ये कितने साल की जेल हुई थी इसको, चला जा बाहर। कुछ सेकंड रहा है। तूने सिर्फ उसको मारा नहीं, उसको मारने की कोशिश करी, सोचा तेरे उसके बाद भी तेरे को सजा मिल गया। आजा, अगर सोच मारा होता फिर क्या होता तेरा हाल। चीकू बहुत देर मारा है चीकू यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसको हंसी आ रही है। क्या तीनों कैसे बैठे हैं। ओलू कह रहा मेरे कुछ, मेरे मतलब का कुछ काम है तो बताना मेरे को। आप लोगों ने अभी 1000 लाइक तो उसमें करवाए नहीं, इसलिए चाय 500 लाइक आई गेस हो गए हैं, तो अभी मैंने एक टाइम चाय छोड़ दी, एक टाइम पी रही हूँ, जब 1000 हो जाएंगे तब फुल टाइम छोड़ दूंगी, अभी ग्रीन टी स्टार्ट कर दिया। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी इनको कैट को खाना मिला है, ये यहाँ पे कोकू खा रही है और पीछे चीकू भी है जो अंधेरे में दिख नहीं रहा है। बाकी हमने भी खाना वाना खा लिया, तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।